नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे आप लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर वालों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्राम डाक सेवक की भर्तियाँ आ चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि इस वैकेंसी को आप लोग जरूर आवेदन करें। यहाँ पे वैकेंसी केवल 266 है, 266 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ इसको आवेदन करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको पूरी इसकी जानकारी देता हूँ। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल का यानी डाक विभाग का आपका रिक्रूटमेंट है, जो ग्राम डाक सेवक का है 266 पदों के लिए, ठीक है। इसको आवेदन करने की लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 29 अक्टूबर तक है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 30 सितंबर को निकला था। तो यहाँ पे आपका जो है जम्मू कश्मीर सर्कल का आपका रिक्रूटमेंट है, जम्मू कश्मीर की ये जॉब है, और वहाँ पे जितने भी डाक विभाग है वहाँ पे आपकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपकी यहाँ पे जॉब आपको दी जाएगी, जो कि होगी आपकी ग्राम डाक सेवक की, ठीक है। तो यहाँ पे GDS जिसे हम बोलते हैं ग्राम डाक सेवक, उसकी वैकेंसीज हैं। केवल 10वीं पास अगर आप लोग हो, केवल 10वीं पास आप लोग हो, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर सीधे इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताऊँगा, और आप लोगों को इस वैकेंसी को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए पूरी जानकारी देख लो। देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है आपकी 30 सेप्टेम्बर से लेकर 29 अक्टूबर तक। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, तो केवल 10वीं पास यहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज आपको आती हो जम्मू कश्मीर की, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम दो महीने का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 60 दिन का, जो कि आप कहीं से भी बनवा सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी कंप्यूटर जो होगा आपके सेंटर होगा, साइबर कैफे वाला होगा, उसको 100-200 रुपये पकड़ाना और आराम से बनवा लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। 18 साल से लेकर 40 साल तक एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी? जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो आपको 14,500 रुपये मिलेगी, इतनी आपको सैलरी मिलती है इसमें, ठीक है। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ इस वैकेंसी के लिए किन बच्चों को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर जो लोग बेरोजगार हैं उनको तो सभी को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं जो लोग बेरोजगार हैं, पर जो लोग बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इस वैकेंसी को ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको पढ़ने का बहुत टाइम मिलेगा। ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने GDS में रह के उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जॉब PSC UPSC और भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम जो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स हैं SSC वो क्लियर करें हैं। तो आपको जो ग्राम डाक सेवक होता है उसमें आपको बहुत टाइम मिलता है। आपके लिए मैं बता दूँ, वर्किंग आवर्स में बता दूँ, जो सुबह 10 बजे से आप लोग जाते हो यहाँ पे, सुबह 10 बजे से जाते हो और शाम के करीब 4 बजे तक आप लोग घर पहुँच जाते हो, ठीक है। और वीकेंड में तो और भी आप लोग 2 बजे 1 बजे घर आ जाते हो। तो बहुत ही इतने मुश्किल से आप लोग देख लीजिए, सुबह 10 बजे से जाते हो 1 बजे तक, 4-5 घंटे में आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं महीने के, क्या दिक्कत है। और वहाँ पे कोई लोड भी नहीं रहता आप लोगों के ऊपर इतना, ठीक है। ग्राम डाक सेवक की जो वैकेंसी है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, और जो ज़्यादा यहाँ पर आप लोग अच्छे कोई बड़े एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात देने की है, ध्यान देने की है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैंने दे रखे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना, तब अप्लाई ऑनलाइन करना। अब यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा? सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा, जितने अच्छे 10वीं मार्क्स आपने लाए होंगे उतने उसके बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। मान लीजिए मेरे 10th में 90% है, तो मेरे लिए यहाँ पे आपकी पक्का जॉब है। अगर मेरे 10th में 70% है, 80% है, तो मेरे लिए यहाँ पे कोई जॉब नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे पास रिजर्वेशन है SC ST या OBC का, तब 80% वाले बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस हैं, पर 70% या 75% वाले भी यहाँ पे नहीं सिलेक्शन पा पाते, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहती है मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के 60% मार्क्स हैं या 65% मार्क्स हैं, 75% मार्क्स हैं, तो वो इस फॉर्म को मत भरना, 100 रुपये का आपके बर्बाद चले जाएंगे, मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिलेक्शन जो होता है आपका 10th के मार्क्स के बेसिस पे होता है, 10th में अगर आपके 80 से ऊपर है ना, तभी आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई करना, वरना मत करना, ठीक है, फॉर गॉड्स से। अब यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो, सीधे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चले जाओगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वही फादर्स नेम, अपना नाम पूरा, आपको डिटेल्स अपने बारे में जो भी है वो आपको भरनी पड़ती है, ईमेल, मोबाइल नंबर। ऐसा करने के बाद आपका एक लॉगिन हो जाता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाता है, उससे आपको लॉगिन करना पड़ता है, अपना फॉर्म आपको भरना पड़ता है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं, लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है, और अपनी 10th की मार्कशीट, तो ये आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ता है दोस्तों। और इसका अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, केवल 100 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है, 100 रुपये फ़ीस है जनरल OBC और EWS के लिए, बाकी सभी के लिए बिल्कुल फ्री का फॉर्म है, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। देखिए, जो अदर कैटेगरी के हैं, जो
आपके जनरल OBC EWS के नहीं है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके फ्री का फॉर्म है। पर जनरल EWS और OBC के लिए मैं आपको जानकारी बता दूँ, अगर आप लोगों की 80% 75% भी है ना, इसको मत भरना, हमारे पैसे 100 रुपये पूरे के पूरे वेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी आप लोगों के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ गलत बात मैंने अगर कही हो तो उसके लिए सॉरी, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मैंने कुछ आपको गलत जानकारी दी हो। पर ये मेरा खुद का, देखिए यहाँ पे मैंने जिन भी बच्चों को यहाँ पे मैंने सलाह दी थी, यहाँ पे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप लोगों का फिजिकली हैंडीकैप का अगर आपका रिजर्वेशन यहाँ पे लगता है तो आपके यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पे बच्चे हैं, फ्री में सब जो फॉर्म है इसको ज़रूर भर लेना, ठीक है। तो मैंने अपना एक कज़न थी मेरी, उसको मैंने भरवाया था, तो डीफ एंड डम्प थी, तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है और वो अभी जॉब कर रही है इसकी GDS की। तो उन बच्चों के लिए जॉब बहुत अच्छी है, तो वो उन बच्चों के यहाँ पर सिलेक्शन अच्छा नंबर पर हो जाता है। तो यहाँ पर जो उसके परसेंटेज थे वो 65% थे करीब, तो यहाँ पर उसका हो गया था, ठीक है। एक बच्चे के उसी के में ही 60% था, उसका नहीं हो पाया था। आप लोग खुद देख लीजिए कितना कॉम्पिटिशन कितना टफ है यहाँ पर उनका। तो यहाँ पे डीफ एंड डम मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप वालों का आपका रिजर्वेशन लगता है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ रहता है। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ 80% से ऊपर हैं जिनको वही यहाँ पे अपला आवेदन करें, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तरीके की वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।